प्रसव के दौरान अपनी बेटी को खोने वाली एक मां ने समाजजन और परिवार के साथ अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बेटी की मौत होने का असली कारण जानने, लापरवाह चिकित्सक के खिलाफ 5 सदस्य कमेटी से जांच कराने, नवजात के जीवन यापन के लिए और पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 50-50 लाख रुपए की राशि दिलवाने की मांग रखी। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज का अमृत एवं शिशु अस्पताल इन दिनों संस्थागत सुरक्षित प्रसव कराने आ रही प्रसूताओं के लिए मौत का केंद्र बनते हुए नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल को प्रसव के लिए आई 3 प्रसूताओं ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। प्रसूताओं के अकाल मौत से रिश्तेदारों में दुख के साथ अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। मुख्यालय के रामनगर में निवास करने वाली 25 वर्षीय कोमल पंचाल की प्रसव के दौरान पुत्री को जन्म देने के बाद हुई मौत के सदमे में उसकी मां शर्मिला पंचाल अब तक बाहर नहीं आ सकी। मृतक की मां का हाल बहुत बुरा हो रहा है। ज्ञापन में शर्मिला पंचाल ने नामजद डॉक्टर सतीश रिमाली द्वारा एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिए जाने का आरोप लगाया है। चिकित्सकों की 5 सदस्यीय जाँच कमेटी से मामले की जांच करा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नवजात के जीवन यापन के लिए और पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की भी मांग रखी है। मृतका कोमल की मां, जो कि कई सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की जननी सुरक्षा योजना का प्रचार प्रसार कर सरकार और प्रसूताओं के बीच मजबूत कड़ी बनाते हुए कई प्रसूताओं को सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दिलवा चुकी शर्मिला सरकार की जननी सुरक्षा योजना उसकी बेटी को सुरक्षित नहीं कर पाई कहकर जननी सुरक्षा योजना पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाते हुए नजर आई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 24 अप्रैल को जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 3 प्रसूताओं में से 2 प्रसूताओं के आक्रोशित परिजनों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। बच्ची को 1 घंटा हो गया तभी तक लेके क्यों नहीं बाहर क्यों निकाल नहीं रहे, प्रॉब्लम क्या हुई? मेरे बेटे को दौड़ाया मैंने, उसके बाद मेरी बेटी को अचानक क्या हो गया और उन्होंने एकदम वेंटिलेटर और एम्बुलेंस लाओ अर्जेंट में, उसने कौन सी गैस सुंगा दी। अब बेटी तो चली गई पर बेटी ने माँ को नहीं देखी, माँ ने बेटी को नहीं देखी। उस फूल कमल का फूल को मैं कैसे बड़े करूंगी, उसको कैसे संभालूंगी सर, बता दो मेरे को। मेरी बेटी चली गई कोई बात नहीं, मेरी गोद तो सुनी होगी पर बेटी की बेटी गोद क्या करूंगी, उस फूल कमल को फूल को कैसे। और मुझे 4 बजे में मुझे रेफर करके लेके उदयपुर गई, तो वहां से मेरी बेटी क्या हुआ क्या मालूम मुझे नहीं पता। कौन सा डबल डोज किया, क्या किया, ऐसा कौन सा ऑपरेशन हुआ, कौन सा बड़ा ऑपरेशन कर दिया था। मेरी बेटी चली गई तो कोई बात नहीं पर दूसरी की माँ की बेटी की गोद सो जिन्ना रहा है, भैया की राखी का बंधन नहीं तोड़े माँ। मुझे सत्य चाहिए कि मेरी बेटी का क्या हुआ उसके साथ, क्या वो कमजोर थी, क्या वो दूसरी बीमारी से ग्रसित थी। मुझे वो चाहिए, बस सत्य चाहिए मुझे, बस सत्य सत्य से चाहिए मुझे, सत्य से लड़ना है। मैं भी आप भी किसी के माँ बनो, आप बन रहे हो औरतों के साथ ऐसा अत्याचार होगा, मैं खुद ऐसा सोच जाके फील्ड में क्या प्रचार करूंगी। गवर्नमेंट में डिलीवरी कराओ, गवर्नमेंट में डिलीवरी कराओ, संस्थागत कराओ, संस्थागत, तो मैं कैसे प्रचार करूंगी। मेरी बेटी तो सरकारी में खोके बैठी, तो क्या मेरे फील्ड के लोग जाएंगे और जल्दी सुरक्षा का कोई फायदा लेगा? नहीं लेगा सर, नहीं लेगा, हमको फायदा नहीं लेगा। मुझे सत्य का हिस्सा चाहिए, बस सत्य चाहिए।